ओम नमः शिवाय। जय बाबा तूनाथ। साथियों, हम लोग हैं चोपता बाजार में और हम पहुँचे हैं चोपता बाजार में और आज तृतीय केदार भगवान तूनाथ के कपाट खुलने जा रहे हैं और हम लोग भी आज भगवान तृतीय केदार तूनाथ जी के दर्शन के लिए पहुँचे हैं। हम पहुँचे हैं तूनाथ जी के गेट पे भूमि में और आपको भी लेके चलते हैं। ये आपको तूनाथ बाजार का नज़ारा आपको दिखाते हैं और अब हम आप तूनाथ जी के गेट पे, ये यही से तूनाथ भगवान का गेट है और जय हो। ये जय बाबा तूनाथ। हम लोग गेट में हैं और बाबा जी तुम कोई बात नहीं, प्रसाद इतना लंबा रास्ता है, कुछ तो खा के जाओ। भोग लग के चल पर बाबा के गेट पे श्रद्धालुओं के लिए प्रसाद की यहाँ पे व्यवस्था की गई। कहाँ से आए हम लोग? गुड़गांव से। ये हरियाणा गुड़गांव से हैं और तूनाथ मंदिर परिसर के बाहर ही गेट पे इन्होंने भंडारा लगाया है। कब से? पहली बार लगाया कि 7 साल से लगातार भगवान तूनाथ जी के जब कपाट खुलते हैं उसी दिन से ये श्रद्धालुओं के लिए यहाँ पे भंडारा एक ही दिन का रहेगा कि आज ही आज कपाट खुले आज बाबा आए हैं। और श्रद्धालु जैसे ही केदार तूनाथ जी के दर्शन करने के लिए पहुँच रहे हैं, पहले सर्वप्रथम भंडारा और भोग भंडारा कर रहे हैं। Some good breed are things as far as I know, the bigger the animal gets, no? साथियों, टॉयलेट तो बनाया हुआ है लेकिन पानी की कमी के कारण टॉयलेट काफ़ी गंदा है। जब टॉयलेट पानी आएगा उसके बाद पानी की, मैंने आपको पहले भी बताया कि यहाँ पानी की दिक्कत काफ़ी दिक्कत है जिससे यहाँ के लोगों को दिक्कतों का सामने। पहले यहाँ पे गंगा, यहाँ पे सामने गंगा थी लेकिन वो धीरे धीरे विलुप्त हो गई है। अब वो आकाश कामनी नाम से जाना जाता था उसको, आकाश कामनी, लेकिन धीरे धीरे वो अब पानी स्रोत धीरे धीरे समाप्त हो गए हैं। और ये हम मंदिर के पास में आपको छोटे छोटे होटल ढाबे सब मिल पाएंगे। साथियों, पहले भगवान तूनाथ के लिए जो जल यहीं से जाता है और इसको आकाश कामनी भी कहा जाता है और आप देख सकते हैं कि पानी की यहाँ बड़ी दिक्कत है क्योंकि ये जितने हाइट पे है वैसे उतने उतने धीरे धीरे पानी का स्रोत पड़े जी, पानी की दिक्कत है यहाँ। दिक्कत तो है, बारिश नहीं होगी तो बारिश पे डिपेंड कर, आकाश गंगा पे डिपेंड करता है पानी। इसको आकाश काम नहीं, आकाश गंगा भी कहा जाता है था इसको। आकाश से पानी आएगा तभी यहाँ पानी होगा, तभी होता है। और खासकर मैं तुंगनाथ में बात करूँगा, जल चढ़ाने के लिए यहीं से ले आना पड़ता है, जल यहीं से ले जाते हैं इसी नल से।
नहीं ये अंदर है ना, आप गौमुखी दिखाओ। अच्छा गौमुखी अंदर दिखाओ जरा। क्या शुभ नाम है? अनिल जिरवाण। अनिल जिरवाण। जिरवाण तो जिरवाण जी कह रहे हैं वो भी पानी लेके जा रहे हैं। ये देख सकते हैं आप लोग, ये धीरे धीरे हल्का हल्का सा विलुप्ति के कगार पे, क्योंकि बहुत ऊंचाई पे है और पानी का स्रोत धीरे धीरे कम है। लेकिन हम लोग आपको दिखा रहे हैं ये, और धीरे धीरे यहाँ का मौसम हर पल बदलता रहता है। अब हल्की हल्की बर्फबारी सी हो गई है, तो आप लगा सकते हैं अनुमान ये पानी मेरे भोले पहुँच चुके हैं भोले के दरबार में। और ये सुंदर से नज़ारे भगवान तुलनाथ जी के, तुलनाथ जी का यहाँ पे भंडारी पद और भंडार संबंधित सारी व्यवस्थाएं भी देखता हूँ यहाँ पे। भंडारी जी आज भगवान तुंगनाथ के तृतीय केदार के कपाट खुल गए हैं, देश विदेश के श्रद्धालु किस तरह से उमंग और आस्था है लोगों की? देश विदेश के सभी पर्यटकों को या भक्तों का भगवान तुंगनाथ पे बड़ी श्रद्धा है, और जो इस छोटे से तीर्थ स्थान में हजारों की संख्या में तीर्थयात्री यहाँ पे आते हैं और भगवान तुंगनाथ से अपनी मनोकामना के लिए प्रार्थना करते हैं, और कई भक्तों की मनोकामनाएं तुरंत भगवान तुंगनाथ इतने वो हैं भक्तों के कि वो पूरी भी कर लेते हैं। क्या संदेश देशवासियों के लिए? देश भगवान तुंगनाथ जी की ओर से पूरे देशवासियों के लिए ये संदेश है कि सभी को भगवान शतबुद्धि दे और उनकी मनोकामनाएं पूर्ण हो। मेरा नाम यहाँ राम प्रसाद मैठानी है, मैं यहाँ पे मठाधिपति हूँ बद्रीनाथ के दारा सुमन से भी और हक हुकुमदारी की तरफ से। यहाँ की सारी व्यवस्था, यहाँ का संचालन सारा मेरे द्वारा ही होता है। आज भगवान तृतीय केदारनाथ के कपाट खुल गए हैं, क्या कैसे लग रहा है? भगवान तृतीय केदार तुंगनाथ जी की जो यहाँ पे जो अभी 12 बजे गोली आई है, सभी लोगों के दर्शन हो गए, सभी लोगों को दर्शन कर दिए हैं और अच्छा मौसम रहा है यहाँ पे। और भगवान से सभी यही प्रार्थना हमारी कि सभी सुख शांति से रहें और सब लोग यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा भगवान के दर्शनों के लिए आते रहें। आने वाले देशवासियों के लिए क्या संदेश, किस तरह से आए वो और क्या वातावरण क्या रहे यहाँ पे? आने वाली स्थिति यहाँ ये है कि वो स्थिति यहाँ पे है, वो दृश्यावलोकन, वो पर्यटन, वो तीर्थाटन या हाय सबसे ऊंचाई पे जो यहाँ ये शिव मंदिर है, तृतीय केदार तुंगनाथ जी कहलाते हैं, पंच केदार में तृतीय केदार है, तो वो स्थिति यहाँ पे है कि भाई आने वाले यात्रियों के लिए तुरंत जो है इसके नीचे जो है 3-3.5 किलोमीटर तक जो है गाड़ी आदि घोड़े आदि की व्यवस्था है, और यहाँ आने ऊपर आने के घोड़ों की व्यवस्था है। हर तीर्थ से कम समय में यहाँ पे लोग आ सकते हैं और दर्शन कर सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा जो है यहाँ पर मैं ये समझ रहा हूँ कि अगर यहाँ पर ये व्यवस्था हो, पानी की व्यवस्था, बिजली की व्यवस्था, शौचालय की व्यवस्था, अगर शासन प्रशासन द्वारा यहाँ व्यवस्था कर दी जाए तो सबसे ज़्यादा केदारनाथ से भी ज़्यादा यहाँ पर यात्री आने की संभावना है। और अभी कुछ ये स्थिति है कि यहाँ लगातार 12 महीने जो है यात्रा लगातार आ रही है, चाहे पर्यटन के रूप में आ रहे हैं, चाहे यात्रियों के रूप में आ रहे हैं। इस शासन और प्रशासन से मैं ये भी कहूँगा ये गलत है, ये स्थिति गलत है, जो लगातार जब 6 माह बंद कपाट बंद हो जाते हैं तो 6 माह ये स्थिति है हमारे यहाँ ये कि भाई 6 माह देवता लोग पूजा करते हैं भगवान की और 6 माह मनुष्य लोग पूजा करते हैं, और ये व्यवस्था ही हम लोगों ने ख़त्म कर दी। हमने कई बार आवाज़ उठाई भी प्रशासन कहीं किसी का ज़्यादातर इसमें वन विभाग का रोल है, वन विभाग जो है पर्यटन के नाम पे उसके नाम पे यहाँ मतलब लोगों को भेज रहा है, और जिससे कि ये सारे प्रकृति पर्यावरण की क्षति हो रही है। वो ये समझ रहे हैं कि हमारा पैसा आ रहा, पैसा ही सब कुछ नहीं है, यहाँ की जो है ये जो दिव्य दर्शन है वो ख़त्म नहीं होने चाहिए। पर्यटन बढ़ावा चलो ठीक है, सबकी उसी के पीछे है, पर इसका भी देखना पड़ेगा ना, जड़ी बूटी वन्य जन जीव जंतु लेना रहा, ये सब खत्म हो गए, किसके लिए कर रहे हैं हम? जब हमारा पर्यावरण नहीं रहेगा तो क्या करेंगे हम?
ये सारी स्थितियाँ हैं, इसको देखते हुए जरा शासन प्रशासन भी इस पर ध्यान रहे कि भाई जो यथावत जो जो पौराणिक व्यवस्थाएं हैं उन पर चले। ये सारी ठीक है साथियों, हम पहुंच चुके हैं मंदिर परिसर में और बाबा के दर्शन हम भी कर चुके हैं। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि श्रद्धालुओं की लंबी कतार लगी हुई है और हम जिस ओर तक नज़र दौड़ाएंगे वो आपको दिव्य भव्य और अलौकिक तृतीय केदार के दर्शन आपको करा रहे हैं। और देख सकते हैं किस प्रकार से मंदिर को सजाया गया है और सैकड़ों कुंतल फूलों से मंदिर को सजाया गया है और दृष्टि और लंबी कतार श्रद्धालुओं की। भगवान तुंगनाथ के मंदिर को फूलों से सजाया गया है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस प्रकार से भव्य दिव्य अलौकिक बाबा तृतीय केदार तुंगनाथ जी की डोली को मंदिर को सजाया गया है और सुंदर नज़ारा ये तुंगनाथ जी के और भोले भक्तों की लंबी कतार भीड़ आप देख सकते हैं किस प्रकार से पूरा तुंगनाथ मंदिर परिसर भोले के जयकारों से गूंज उठा है और दूर दूर से श्रद्धालु अलग अलग प्रांत से देश के कोने कोने से श्रद्धालु यहाँ पहुँचे हैं। पल पल में यहाँ का मौसम बदल रहा है, कभी यहाँ बारिश आ रही है, कभी यहाँ हल्की सी बर्फबारी हो रही है, तो कभी यहाँ पे कोहरा छा रहा है। और इसी रमणीक स्थान पे तृतीय केदार भगवान तुंगनाथ जी का ये दिव्य मंदिर आपको दिखाई दे रहा है। सब विश्व के सबसे ऊंची चोटी पर स्थित भगवान तृतीय केदार के भुजाओं के दर्शन इस स्थान पे किए जाते हैं। जो लिंग है उसमें भगवान तृतीय केदार के बाहों की भुजाओं की यहाँ पे पूजा की जाती है। और आज अच्छे तिथि के पावन पर्व पे भगवान के तृतीय केदार के दर्शन और कपाट खुले 12 बजे खुले हैं और श्रद्धालुओं के लिए आज केदारनाथ के भी कपाट खुले, गंगोत्री के भी कपाट खुले, यमुनोत्री के भी कपाट खुले और तृतीय केदार के भी शुभ अवसर पर। और हम लोग इस दिव्य धाम में इस पुण्य पावन पर्व पे यहाँ पे पहुँचे हैं। दूर दूर से श्रद्धालु आए हैं और हर श्रद्धालु भगवान भोले से यही मन्नत मांग रहा है, यही प्रार्थना कर रहा है कि हे भगवान हमें सुख शांति और समृद्धि दे, हमारे देश को देश की ओर से समृद्धि मिले, हमारे प्रांत को, हमारे परिवार को, हमारे घर को। और जहाँ जहाँ ये बाबा के दर्शन जो जो इन तस्वीरों के माध्यम से देखेगा उनको भी भगवान तुंगनाथ की ओर से दिव्य भव्य और अलौकिक की ओर से भगवान का आशीर्वाद पुण्य प्राप्त होगा। हम आपको जो तस्वीरें दिखा रहे हैं ये तस्वीरें आप देख सकते हैं किस प्रकार से बाबा का दरबार भक्तों के से गुंजायमान होता है और नंदी से लेकर आपके भूतनाथ जितने भी यहाँ पे मंदिर हैं परिसर हैं ये चारों तरफ फूलों से सजाया गया है और लोग दर्शन के लिए यहाँ पे दूर दूर से यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। हम लोगों ने अभी यहाँ के मठाधिपति से और यहाँ के हाथों से भी वार्ता की और उनसे जानकारी ली कि किस प्रकार से ये धाम की जो सुरक्षा से लेकर हर प्रकार की सुविधाओं के लिए प्रार्थना की है कि सरकार से प्रार्थना की कि इस धाम में दिन रात श्रद्धालु आ रहे हैं, रात दिन आ रहे हैं, हर वर्ष भर आ रहे हैं, तो लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि 6 महीने मानव की पूजा होती है, 6 महीने पूजा की जाती है, लेकिन यहाँ श्रद्धालुओं का लंबा कतार कतार लगी रहती है। ये तुंगनाथ जी के रक्षक भूतनाथ जी का मंदिर मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये
मंदिर का दृश्य और यहाँ पे भूतनाथ जी का मंदिर यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग, और मत्था टेक के भगवान भूतनाथ जी के दर्शन पुण्य करके ये भगवान सुख समृद्धि दुख तकलीफ सबकी दूर करे। आप देख सकते हैं पांच पांडवों की ये मूर्तियां, ये मंदिर पांच पांडवों के, और ये धर्मनाथ जी का मंदिर ये वाला, और ये मंदिर का परिदृश्य। श्रद्धालुओं की लंबी कतार, मुझे कहाँ से आए हैं आप लोग? हम दिल्ली। दिल्ली से? हाँ जी। कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, बहुत दिव्य, इतना बहुत दर्शन हमारे बहुत अच्छे हुए, और हमें तो लगभग चांस है कि हम इस दिन आ पाए, हमारी कोई प्लानिंग नहीं थी आज की आने की, रोली भी हमने देखी। क्या संदेश देशवासियों के लिए और प्रदेश वासियों के लिए? सही काम करो, धर्म में मान रखो, धर्म की इज्जत करो, जय बोलेगी, जय बोलेगी, जय बोले। हाथ धो, हाथ धो, हाथ धो दे। अरे वो तो मर मिला ना। नहान वड़ी हिमाचल प्रदेश हिमाचल नाम से आए हुए हैं। और क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम श्री दिगंबर सिंह रावत। दिगंबर जी आप गढ़वाली हैं? हाँ, मैं उत्तराखंड से पौड़ी गढ़वाल। पहली बार आए यहाँ? हाँ पहली बार आ रहा हूँ, ईश्वर की कृपा से। आपके कैसा लगा? मेरा सौभाग्य कि मुझे भगवान ने स्वर्ग की अनुभूति ऐसा। क्या संदेश? संदेश क्या मेरे पास भाव, मैं व्यक्त नहीं कर पा रहा अपनी खुशियों को, और ईश्वर से कहता हूँ सभी आए और भगवान का आशीर्वाद उसे और अपने आपको धन्य 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 हो गया। देख सकते हैं आप लोग, धन्यवाद। हिमाचल से अलग अलग जगह से सब यात्री आए हुए हैं, और जरूर आप लोग ये उत्तराखंड अंदर से जब पानी चढ़ाया जाता है उसके बाद ये वही पानी और जो भगवान तुंगनाथ जी को चढ़ाया जाता है उसका ये उत्तराखंड है, और उसके स्नान पुण्य करने से प्राप्ति होती है, सिद्धि की प्राप्ति होती है। तो आप दर्शन देख सकते हैं, मौसम मैंने आपको पहले बताया था पल में बदल जाता है, तो मौसम बदल चुका है, और आप देख सकते हैं कि यहाँ हल्की सी बर्फबारी शुरू हो गई है, और बर्फ भी हो रही है, बर्फ भी गिर रही है, और श्रद्धालु कतार में खड़े हैं बाबा के दर्शन करने के लिए। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि यहाँ मौसम पल पल में बदल जाता है, और ज़्यादातर लोगों से निवेदन करेंगे कि आप गर्म कपड़े अपने साथ जरूर लाएं, क्योंकि पहाड़ का मौसम लगातार बदलता रहता है। अभी यहाँ पे बारिश हो रही है, कभी यहाँ पे बर्फ गिर रही है, कभी हवा चल रही है, कभी धूप आ रही है, कभी कोहरा छा रहा है। तो हर आदमी को, हर तीर्थयात्री को यहाँ पे इस वजह से अपने गर्म कपड़े जरूर लाएं अपने साथ, क्योंकि स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना जरूरी है। केदारनाथ और
बारिश के साथ साथ बाबा के दर्शन के लिए कतार में लगे लोग भोले सबकी रक्षा करो।